जुमा का दिन पूरे हफ्ते में बहुत ही अफजल दिन होता है और इस दिन की फजीलतें भी बहुत सारी होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जुमे के दिन भी ऐसी तमाम गलतियां करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। तो जुमा का दिन बहुत ही अफजल दिन है और इस दिन गुस्ल करके नहाना, इत्र लगाना, सुरमा लगाना, गरीबों की मदद करना, सूरह काफ की तिलावत करना सुन्नत है। जो ये चीजें नहीं करते हैं वो आज से ये चीज को फॉलो कर लें। और जुमे के दिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुतबे के टाइम पे आते हैं और गर्दनें फलांग फलांग के आगे जाने की कोशिश करते हैं। वो मस्जिद में जल्दी तो नहीं आएंगे लेकिन उनको सवाब पहले सबके चाहिए। बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स लोगों के कंधे फलांग फलांग के आगे जाता है तो उसने जहन्नम में अपने लिए पुल बना लिया। अल्लाह अकबर। ये भी देखा जाता है कि इमाम साहब खुतबा दे रहे होते हैं तो तमाम लोग अपने बातों में मशगूल रहते हैं। इसके लिए भी प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया खुतबे के वक्त बोलना हराम है, यहाँ तक कि आप किसी को चुप रहने को भी नहीं कह सकते वरना आप गुनहगार जरूर होंगे। कुछ लोग जुमे के दिन सिर्फ दो रकात नमाज फर्ज पढ़ते हैं और बस मस्जिद से बाहर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उनको बस भागने की जल्दी थी। अगर आपको कोई काम है तो आप सिर्फ नमाज पढ़ के जा सकते हैं लेकिन दो रकात नमाज फर्ज पढ़ के जुमे के दिन ना भागे। अगर आप या आपके जानने वाले में से कोई ये करता है तो आप भी बचे और दूसरों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें।